गाइस वेलकम बैक टू द सिंहगढ़ ट्रैक ब्लॉग। इस वाले ब्लॉग में हम पूरा सिंहगढ़ जो घूमे थे वो सब दिखाऊंगा। जो ट्रैक वाला पार्ट है वो लास्ट वीक अपलोड हो गया था, तो इस वीडियो के बाद अगर आपको ट्रैकिंग वाला पार्ट देखना है तो वो भी आप देख सकते हो। तो हम यहाँ से आगे गए, रास्ता दो हिस्सों में बट रहा था। एक राइट में जा रहा था जहाँ पे काफ़ी सारे लोग जा रहे थे, और लेफ्ट की तरफ जो रास्ता था वहाँ पे बहुत कम लोग जा रहे थे। तो हमने सोचा पहले वहाँ जाते हैं, भीड़ कम होगी और शायद नज़ारा अच्छा होगा, और वहाँ का नज़ारा सच में बहुत अच्छा था। तो वही बोल रहा हूँ ना सर, ये अलग लेवल का है, ये हार्ड है हार्ड। क्या सही जगह है ये, आओ अगर सिंहगढ़ आए ना तो इस तरफ आ जाना, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं आता और यहाँ पे सब खाली खाली और हवा बहुत अच्छी आती है। तो वहाँ पर हम थोड़ी और देर बैठे, कुछ बातें वगैरह की, एंड देन उसके बाद जो बाकी जगह थी वहाँ वो देखने के लिए चले गए। क्या मिलेगा उस वहाँ जाके, सो यहाँ पे हमें तोफखाना लिखा हुआ एक बोर्ड मिला। सो शायद यहाँ पे पहले तोफ वगैरह रखते थे, वो देखने के लिए हम यहाँ पे गए। और वहाँ पे जाने पे हमें कुछ दिखा, तेला हे मंतर साप है, साप नहीं है, तेला पायन तेला, तेला चीज मराठी मध्ये, अरे आज सर शेमिलियन सर टाका काय तर नाही, शेमिलियन नाहीये हे, आता हात नकोला उकळून जाईल ते, केलेस का केलेस का, तुला काय वाटलं ते म्हणेल का, हा ये आयुष ये हातला मला, अरे बाकीचे कुठे गेले, त्याला का दोन्हीकडे तोंड असतात का, नाही नाही त्याचं घर आहे ते आतमध्ये, हो गणपती म्हणतात मराठी मध्ये, काय गणपतीचे शिफ्ट घातलेले पास होत चला ते सापकच दिसत। सो अंदर तो सब खाली था, शायद पहले कुछ रखते होंगे यहाँ पे, पता नहीं, पर अभी तो कुछ है नहीं वहाँ पे। अभी फिर से हम जा रहे हैं एक और जगह पे जहाँ पे कोई नहीं जा रहा एक्सप्लोर करने, एक्सप्लोर तो मतलब हो चुका है पहले, एक्सप्लोरेशन इज आवर धर्म, धर्म चलो यहाँ पे खाना खा ले, एंड मस्ती इज आवर कर्म, भाई कर तू कर्म का समझे नहीं, इज आवर धर्म मस्ती इज माय कर्म, एकदम खाली पाए मेरे पैर भी कंट्रोल में नहीं है ये, मस्त जगह है यार। हाँ। ये 400 साल पुराना पानी है, बताओ ना आपको, बताओ दिख रहा है 400 साल पियोगे ना तो क्या होगा, बताओ अमर हो जाओगे नहीं ऐसे सीधे अमर नहीं होगे, मतलब फिर मरोगे ही नहीं कभी, मतलब ऐसे क्या चूज के अमर करेंगे उसको, अरे आहे काय तरी त्याच्यात जयपाल सर, हाँ बोला आपका साइंस लगा के यहाँ से नीचे तो स्लाइड हो सकते, अरे जयपाल सर कुछ भी कर सकते, रैंप बनाया तो क्या होगा, वो चाइनीज कम कितना ऊपर जाएगा, गिर जाएगा, ओहो ओहो गाड़ी कितना ऊपर जाएगा, वहाँ पर लाइन है,
क्या बात सुनो, नीचे जाना है इधर जाना है नीचे ना, क्या पता खोल के खाओ तो कोई देखे जहरीला है या नहीं। सो ये जो है वो बेल है जो पहले के जमाने में आई थिंक मेन बेल या फिर मेन वाटर सोर्स था ये। तो यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा छोटा सा पानी का सोर्स है, इस वाली वीडियो में यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं इसको। ऐसे पहाड़ों के शेड दिखते ना, देख पास वाला थोड़ा डार्क है, पीछे वाला थोड़ा कम डार्क है, उसके पहले और कम डार्क है, मस्त दिखता है ये। ये यही होगा गेट आई थिंक, मतलब मेन एंट्रेंस लग रहा है ये, इतना सारा फोर्ट्रेस है। कौन सा बोले वो कल्याण दरवाजा, ये कल्याण दरवाजा। तो शायद ये तानाजी कड़ा है, दिखने से तो बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा है चढ़ना, बट दैट जस्ट फिट्स द डिस्क्रिप्शन। जिन लोगों को पता नहीं हम क्या चीज के बारे में बात कर रहे हैं, एक तो आप मूवी जाके देख सकते हो तानाजी। नहीं कैसे किया भाई, कैसे किया? अरे वो घोरपड़ तो होते होते एक्सपर्ट होते सोलापूर जवळ आलो, टेमगरचा इथं आहे ना लवासाला जाताना मध्ये कुठलं लागतं ते लवासाचं आहे ते, लवासाचं मध्ये लागतं ते पाणी पडताना डॅम मध्ये डॉम क्रॉस करून जायला लागतं ते पाणी पडताना दिसतं ते ना। चलो चलो पाणी पडताना नाही डॅम हाय स्थित आहे म्हणजे न्यू पाथ। हमारा थीम रह चुका है नया एक्सप्लोर करना, एडवेंचर इज आवर धर्म। सो हम अभी क्या कर रहे हैं, नीचे जहाँ से आए थे उस पाथ से नीचे ट्रेक करने की बजाय ये कंक्रीट पाथ से हम जहाँ से गाड़ियां आती जाती है वहां से नीचे जाएंगे और कहीं पे बीच में रास्ता मिलेगा। भाई इतना धूप में चढ़ा, सल्यूट है तुझे। सही है यार, मस्त आदमी है तू। बहुत सारे सोच विचार के बाद ये डिसाइड हुआ है कि यहाँ पे 13 किलोमीटर चलने से अच्छा 4 किलोमीटर ट्रैक करना बेहतर रहेगा। रैपलिंग, सॉरी आई माय सॉरी। तो हम वहां से नीचे जा रहे हैं वापस अभी, सो मजा आएगा मजा। तो ट्रैक हो गया, हम सब नीचे आ गए गाड़ी के पास, पर बहुत दर्द कर रहे सबके ही बहुत ज्यादा। तो चलो अब हम निकलते हैं होटल में खाना खाने, वहां से फिर घर।
बाय बाय।